कानपुर में हो रहे थर्ड ओडीआई मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसमें इंडिया ने 337 रन बनाकर 50 ओवर में 6 विकेट गंवाए और वहीं न्यूजीलैंड ने कड़ा मुकाबला करके 331 रन पे 7 विकेट गुजारे, लेकिन 50 ओवर की समाप्ति के बाद। यानी इंडिया की जीत हो चुकी है 6 रनों से और ये बहुत अच्छी खबर है कि इंडिया जो है 2-1 से लीड कर रहा है। आज जो शानदार पारी खेली है वो खेली है रोहित शर्मा और विराट कोहली ने। रोहित शर्मा ने 147 रन बनाकर 18 चौके और 6 छक्के लगाए और वहीं विराट कोहली ने 113 रन बनाकर 106 गेंदे जिसमें से 9 चौके और 1 छक्का लगाया। उसके बाद एमएस धोनी ने 25 रन और केदार जाधव ने 18 रनों की पारी खेली और दिनेश कार्तिक 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। गेंदबाजों ने भी अच्छा जो है प्रदर्शन किया, जिसमें भुवनेश्वर कुमार थोड़ी महंगे साबित हुए, जिसमें उन्होंने 10 ओवर किए और 92 रन दिए। वहीं जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर में 47 रन देकर 3 विकेट चटके। युजवेंद्र चहल ने भी 10 ओवर देकर 47 रन और 2 विकेट चटके और मैन ऑफ द मैच जो बनेंगे वो बनेंगे रोहित शर्मा। तो जुड़े रहिए डेली प्राइम न्यूज के साथ। धन्यवाद।